हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल नारायण व्हील्स। कैसे आप सब लोग? तो आज के जो वीडियो में मैं बताने वाला हूँ सबसे इंपॉर्टेंट चीज़। अगर आप नाइट आई के लाइट्स खरीद रहे हो अमेजोन से, कौन सा भी सेलर होने दो, अगर आप नाइट आई के लाइट खरीद रहे हो तो आप कैसे पहचानोगे कि ये लाइट ओरिजिनल है और डुप्लीकेट नहीं है? तो सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट चीज़, अगर आप नाइट आई के लाइट्स खरीद रहे हो तो आपको चेक करना है फर्स्ट थिंग फर्स्ट। और आपको ये चेक करना, काफ़ी बॉक्स देख के आपको लगेगा कि सेम सेम है, बिकॉज बॉक्स उसका ओरिजिनल का और डुप्लीकेट का एकदम सेम होता है, कुछ भी फर्क नहीं होता है बॉक्स में, एकदम सेम पैकिंग होता है। बट आपको अंदर क्या चेक करना है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, अंदर के कंटेंट्स भी सेम होंगे। ये जो है ग्लव्स वगैरह, उसमें जो डुप्लीकेट है उसमें भी सब मिलेंगे आपको। पर सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ आपको जो चेक करना है फर्स्ट थिंग फर्स्ट, अगर आपको देख के समझना नहीं है तो ये जो ओरिजिनल लाइट रहती है उसका जो वेट होता है, आपको वो वेट अच्छी तरीके से फील होता है हाथ में, लाइक आपको समझता है कि कुछ तो हैवी चीज़ मैंने हाथ में पकड़ी है, तो उससे आप समझ सकते हो। सेकेंड थिंग, सबसे बड़ा डिफरेंस, मतलब ये कोई भी समझ लेगा, ओरिजिनल जो नाइट आई रहता है उसमें ऐसे तीन पार्टीशन रहते हैं फैन के हवा को, मतलब हवा जो रहता है गर्म हवा एलईडी से वो एग्जिट करने के लिए, सिर्फ तीन कट्स रहते हैं, 1 2 3, दोनों में भी ये सिर्फ तीन ही कट्स होंगे। सेकेंड बल्ब भी निकाल लेते हम, ये देखिए इसमें भी सिर्फ तीन ही कट्स है और उसमें भी सिर्फ तीन कट्स है। तो ये जो चीज़ है वो एकदम जेन्युइन नाइट आई जो रहता है उसमें ही सिर्फ तीन कट्स होते हैं। डुप्लीकेट में इसमें सिक्स कट्स दिखते हैं, अंदर सिक्स कट्स होते हैं, वो देख के समझ सकते हैं कि आप डुप्लीकेट है। भले ही यहाँ पे वो डुप्लीकेट में नाइट आई लिखा रहता है बट वो डुप्लीकेट रहता है, वो बिल्कुल चलेगा नहीं, और चल भी गया तो 1 2 महीने के अंदर उड़ जाएगा और उसका लाइट आउटपुट एकदम बकवास और एकदम बिल्कुल, मतलब बिल्कुल भी अच्छा नहीं होता। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ आपको चेक करना है, ये तीन पार्टीशन रहते हैं, तीन कटआउट रहता है फैन के लिए ओरिजिनल नाइट आई में। और इफ़ यू आर वेरी कीन, यू नो, आप अगर आप बहुत केयरफुल ऑब्जर्व करने वाले पर्सन हो तो ओरिजिनल नाइट आई में जो आपका ये एक्चुअल जो एलईडी है, ये जो एलईडी दिख रहा है आपको, ये काफ़ी लंबा है ऐसे, मतलब वर्टिकली काफ़ी लंबा है। जो डुप्लीकेट होता है उसमें ये एलईडी जो होता है वो थिक रहता है, मतलब ऐसा चौड़ा होता है, एंड ये लंबा नहीं होता है, चौड़ा होता है, मतलब हॉरिजॉन्टली थिक रहता है एंड वर्टिकली स्मॉल रहता है साइज में। बट ओरिजिनल में वर्टिकली लंबा रहता है एंड हॉरिजॉन्टली पतला रहता है, तो वो एक चीज़ है वो ये। और ये चीज़ जो है काफ़ी लोग शायद समझ में ना आए, इसलिए मैंने ये चीज़ को मैं ज़्यादा इतना फर्स्ट प्रेफरेंस देता नहीं। बट सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ आपको चेक करनी है कि नीचे तीन कटआउट है या नहीं, एंड कैन यू फील द वेट, मतलब एक्चुअली आप हाथ में पकड़ती हो आपका बल्ब को एक क्वालिटी आपको फील होती है हाथ में, जो वेट है उससे आपको फील होता है कि हाँ ये ओरिजिनल लाइट्स है। तो बस मैं यहाँ पे यही मैं आपको दिखाना चाहता था कि एग्जाम्पल बताना चाहता था कि कौन, मतलब कैसे आप समझ सकते हो कि नाइट आई का ओरिजिनल बल्ब कैसा होता है। ऑल राइट, सो आई होप आपको ये वीडियो काफ़ी यूजफुल रहा, और अगर आपने नाइट आई का लाइट्स लगा मंगाया हो या फिर आप फ्यूचर में मंगाने वाले हो तो ये चीज़ ज़रूर चेक करिए। और जैसे ही आपको दिखेगा कि इसके अंदर नीचे सिक्स या छः छः या उससे ज़्यादा कटआउट्स है, डायरेक्टली वो लाइट्स रिटर्न कर दीजिए एंड उनको ओरिजिनल प्रोडक्ट देने बोलिए, बिकॉज वो फेक प्रोडक्ट है, वो प्रोडक्ट आप बिल्कुल मत यूज़ करिए। तो यही है मेन नाइट आई लाइट्स कैसे चेक करते हैं। ऑल राइट, मिलते हैं नेक्स्ट टाइम ऐसे कोई एक ट्रिक एंड टिप्स वाले वीडियो के साथ। अंटिल देन, ड्राइव सेफ एंड बी सेफ।